Well, hello friends, welcome to another episode of Bollywood This Week. My friend, I'm Aman Ansari, aap sabhi logon ka Sunny Deol ki film Gadar Dwitiya, yani Gadar 2 ke day number 8 ke box office collection prediction, audience occupancy and show count episode mein title sa hardik swagat karta hoon. क्या हो रहा है मेरा भाई. फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है. इसमें मैं आपको बहुत सारे रिकॉर्ड जो है बताने वाला हूँ. तो मेरी आप सभी लोगों से विनंती है कि कृपया करके इस एपिसोड को जितना हो सके वो लाइक कीजिए. एम करते हैं कि एटलीस्ट इस वीडियो पे 5000 लाइक्स तो हो. चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं. तो गाइस, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अबाउट द वीक वन रिकॉर्ड्स. बहुत लोगों के दिमाग में मिसकंसेप्शन है, बहुत लोगों के दिमाग में यू नो एक डाउट है कि एग्जैक्टली गदर का जो वीक वन का रिकॉर्ड है वो जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो बाकी फिल्मों का ज्यादा क्यों है. देखिएगा, इस गदर का वीक वन सिर्फ 7 दिन का था, तो हम दूसरी फिल्मों का भी सिर्फ और सिर्फ 7 दिनों का ही गिनेंगे यहाँ पर. समझ में आ रहा है आप लोगों को. बाकी फिल्म ऐसे कि पठान वेडनेसडे रिलीज है, सुल्तान, वॉर, ये बहुत सारी फिल्में हैं जो कि नॉन ट्रेडिशनल फ्राइडे रिलीजेज है. एक्सटेंडेड वीक जो कहते हैं ना वो इनको मिला है. तो गदर के 7 दिन कंपेयर होंगे दूसरी फिल्मों के 7 दिनों के साथ. फिर बाद में अगर आपको गदर के 9 दिन कंपेयर करने हैं तो मैं आपको सैटरडे कंपेयर करवा दूंगा. लेकिन फिलहाल वीक वन ऑफ गदर इज एन एब्सोल्यूट ड्रीम रन. पठान का जो फर्स्ट वीक था सिर्फ और सिर्फ हिंदी वर्जन का वो था 318.50. पठान ने 7 दिनों में 318.50 करोड़ कमाई की थी, यानी कि वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, 7 दिन में 318.50. इसके जो अन्य वर्जन है तमिल तेलुगु मिला दू तो 330.25 करोड़ 7 दिन में पठान ने कमाया था. अब गाइज, यहाँ गदर सिर्फ एक हिंदी फिल्म है इसीलिए उसके सिर्फ हिंदी कलेक्शन हम कंपेयर करेंगे. गदर ने 7 दिनों में 284.63 करोड़ कमाकर दिस बिकम्स द सेकेंड हाईएस्ट फर्स्ट वीक इन द हिस्ट्री ऑफ हिंदी सिनेमा. लेकिन गदर विद पठान 1500 स्क्रीन्स की कमी नंबर वन, नो क्लैश. पठान वॉज अ क्लीन रन. ATP एवरेज टिकट प्राइस ऑफ पठान वॉज ह्यूमंगस. पठान के पास 4DX था, पठान के पास IMAX था. लेकिन गाइज, ये बात भी यहां पर साफ रखनी पड़ेगी कि पठान इन द ओवरसीज वॉज अ बीस्ट. पठान का ओवरसीज तोड़ना किसी भी फिल्म के बस की बात नहीं है. फिर गदर ओवरसीज ठीक ठाक बिजनेस कर रहा है, जितना भी उसने 30, 32, 33 करोड़ रुपए कमाया ठीक ठाक किया है. लेकिन पठान इन द ओवरसीज अनबीटेबल. तो दोनों फिल्मों के मैंने आपको पहलू यहां पर बता दिए हैं. एंड तीसरी फिल्म जो थी यहां पर इस फेयर लिस्ट में वो थी नन देन सलाम रॉकी भाई. यह कौन सी फिल्म है भाई? सलाम रॉकी भाई सर, यश की KGF. KGF द्वितीय बोलिए भाई, सुबह से और द्वितीय कर रहे हैं, गाली खाओगे एक दिन. सो गाइस, KGF 2 का पहले 7 दिन के कलेक्शन थे 255.05 करोड़. KGF थर्सडे को रिलीज हुई थी तो हम उसके वेडनेसडे तक कलेक्शन यहाँ पर लिखेंगे. इसलिए गाइस, गदर अब सेकेंड नंबर पर आ जाती है. ऑल लिस्ट की बात करूं, पठान का पहला हफ्ता जो 9 दिनों का था यहाँ पर, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 9 दिन का पठान ने 351 करोड़ की कमाई की थी. तो गदर के जब हो जाएंगे 9 दिन तो वो भी हम कंपेयर कर लेंगे अगर आपकी इच्छा हो. देखिएगा, इस रिकॉर्ड्स बताना मेरा काम है, मैं सिर्फ एक विजुअल मीडियम हूँ, दैट्स इट. आप जो पढ़ते हो, आई एम विजुअल मीडियम फॉर ऑल ऑफ यू, दैट्स इट. बात करो बाहुबली 2 तो 247 करोड़ था, सुल्तान ऑलमोस्ट 229, वॉर की बात करें 228, टाइगर जिंदा 206, संजू 202, दंगल 197, धूम 3 188. इसमें बहुत सारे जो 7-8 दिन के कलेक्शन भी है. जस्ट इमेजिन, गदर 2 ने, धूम 3, दंगल, संजू, टाइगर जिंदा, वॉर, सुल्तान, बाहुबली, दीज आर बिग फिल्म, दीज आर आइकॉनिक लेजेंडरी कलेक्शन बोलूंगा. इन सबको पीछे छोड़कर आते हैं तो गदर डिजर्व्स द रिस्पेक्ट. गदर 2 डिजर्व्स ऑल द रिस्पेक्ट. और जो उसको मिल रही है गाइस यहाँ पर वो बिकम द सेकेंड हाईएस्ट फर्स्ट वीक इन द हिस्ट्री ऑफ हिंदी सिनेमा. तो यहां तक एपिसोड समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली अब क्या होने वाला है. आज गदर 300 करोड़ क्लब में एंटर करने वाला है एंड विल बिकम द सेकेंड फास्टेस्ट 300 करोड़ क्लब इन द हिस्ट्री ऑफ हिंदी सिनेमा. वो जस्ट 8 डेज 300 करोड़ क्लब में एंटर करेगा. आज की बात करें तो गदर फिर से कॉम्पिटिशन फेस कर रहा है. पठान हैड अ क्लीन रन इन इट्स रन, बहुत कम फिल्में उनके रास्ते में आई थी एंड गाइस सेकेंड वीक में. एंड यहाँ पर गदर के पास घूमर है, ब्लू बीटल है, क्वीन मैरी है, एक कोरियन फिल्म भी है, साथ में OMG 2 भी है. भैया रॉकी और आनी प्रेम कहानी भी दहेज में आई है. तो गाइस बहुत सारे यहाँ पर आए. लेकिन तारा सिंह दामाद है पाकिस्तान का, उसे नारियल दो,
टीका लगा, वरना यहाँ पर क्या दहेज में लाहौर के साथ बॉक्स ऑफिस भी ले जाएगा। एंड वही तारा सिंह कर रहा है। मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी 12, आफ्टरनून 24 एंड इवनिंग 39% की ऑक्यूपेंसी है। अब गाइस बात करते हैं यहाँ पर ऑक्यूपेंसी एंड शो काउंट्स की। मुंबई 726 शोज में स्टैगरिंग 38, दिल्ली एनसीआर 940 शोज में 52 सुपर, पुणे 273 शोज में 33, बेंगलुरु इज अनदर बीस्ट 212 शोज ऑलमोस्ट 27% है, हैदराबाद 202 शोज में 18, शाम के शोज मैसिव बढ़े हैं एंड रात तक उम्मीद की जा रही है कि इवनिंग से रात की ऑक्यूपेंसी 6% बढ़ेगी, कहीं ना कहीं 45 तो डेफिनेटली जाएगा। एंड बात करो अहमदाबाद 497 शोज में 37% ऑक्यूपेंसी, चेन्नई 54 शोज में 72, बात करो सूरत की 284 शोज में 23, सैटरडे संडे विल बी अ मनी स्पिनर फॉर गदर टू, जयपुर 162 शोज में 57% ऑक्यूपेंसी है, चंडीगढ़ 120 शोज में 34%, भोपाल 88 शोज में 46 एंड लखनऊ 214 शोज में 44, माई प्रेडिक्शन फॉर गदर द्वितीय ऑन इट्स एथ डे या फिर सेकेंड फ्राइडे कह लीजिए, वो है 17 से 18 करोड़। एंड अगर ये आज 17.5 यानी कि 17.50 करोड़ कमाता है, देन गदर टू इन 8 डेज विल बी 302.13 करोड़, यानी कि 302.13 करोड़। अगर ये आज 17.5 करोड़ कमाता है, देन दिस विल बिकम द फोर्थ हाईएस्ट सेकेंड फ्राइडे एंड द फोर्थ हाईएस्ट एथ डे इन द हिस्ट्री ऑफ हिंदी सिनेमा। फ्राइडे की बात करें सेकंड या फिर एथ डे की, बाहुबली 2 19.75, कश्मीर फाइल्स 19.15, दंगल 18.26, पठान 17.5 था, जो उसके उसका एथ डे के कलेक्शन के बारे में बात करें, जो कि उसका वेडनेसडे आता है, समझ में आया। अगर पठान का सेकंड फ्राइडे देखूं तो 13.50 था एंड गदर यहां पर 17.5 कमा रहा है, यानी कि गदर इज लीडिंग द रेस, लेकिन पठान इन टोटलिटी इज लीडिंग द रेस ओवर ईयर। कुछ भी ऊपर नीचे हुआ कलेक्शन में, 18 के ऊपर गया तो मामू का दंगल का रिकॉर्ड टूटेगा, लेकिन अगर कल गदर 302.13 करोड़ कमाती है, देन सुल्तान का लाइफ टाइम रिकॉर्ड 300.45 करोड़, उसके बाद पद्मावत का 302.15 करोड़ कमाकर 1 2 3 4 5 6 7 8 टॉप 9 फिल्म्स में पहुंच जाएगी इन द हिस्ट्री ऑफ हिंदी सिनेमा। उसके बाद सैटरडे कैसे भी जम मार के इस फिल्म को 20 करोड़, संडे को कैसे भी इस फिल्म को 23 करोड़ कमाना है, ये मैं मिनिमम बता रहा हूं, समझ में आ रहा आप लोगों को। ये फिल्म यहां पर 17 से सैटरडे को जंप कहीं भी मार सकती है, डोंट बी सरप्राइज अगर 21-22 करोड़ कमा ले एंड संडे 25, लेकिन मैं बहुत ही मिनिमल रख रहा हूं प्रेडिक्शंस। अगर ये सैटरडे 20 एंड संडे 23 कमाती है एंड और 43 करोड़ ऐड करती है, ब्रेस योरसेल्फ्स 10 दिन में गदर द्वितीय 345 से 346 करोड़ चली जाएगी। उसके बाद वॉर, बजरंगी भाईजान, टाइगर जिंदा है, पीके, इन सभी फिल्मों के लाइफ टाइम कलेक्शंस गदर 10 दिन में बीट करके टॉप 5 में एंट्री ले लेगी। उसके आगे सिर्फ दंगल होगा, केजीएफ 2 होगा, बाहुबली 2 एंड नाम पठान, शाहरुख खान की पठान होगी। तो 10 दिन में गदर 2 ने क्या गदर मचाई है बॉक्स ऑफिस पे, ये मैं आपको सिर्फ और सिर्फ नंबर से ही बता सकता हूँ। ऑडियंस का रिस्पॉन्स देश में क्या हो रहा है फिलहाल, ये तो आप देख ही रहे हो, लेकिन द नंबर्स टू द टॉकिंग, 10 दिनों में गदर 2 ने पूरा का पूरा गदर मचा दिया है। ओके गाइस, जितना हो सके एपिसोड को लाइक कीजिए गाइस, तो बहुत वक्त लगा है इन सारे के सारे चीजों को कंपाइल करने के लिए। तो आशा करते हैं आज का एपिसोड सभी लोगों को पसंद आया होगा। अभी कल मिलेंगे, लेट्स सी गदर 2 आज कितना पैसा कमाती है। साइनिंग ऑफ, यू आर गोना सी मी वेरी सून, टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।